जय श्री राम दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में, नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं, कहां पर जाने वाले, जो करोल बाग का जो हनुमान मंदिर है, 108 फीट की जो मूर्ति है वहां पर, हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है, उसी का जो मंदिर है हम दिखाने वाले हैं। मतलब अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है, और अंदर उसमें कैसी कैसी गुफाएं हैं, और शायद वैष्णो देवी का भी उसमें धाम है। तो हम यही चीज आपको दिखाने वाले हैं। करोल बाग का बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है, और उसके पास मेट्रो स्टेशन भी है काफी नजदीक, आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वहीं पर, तो दिखाते हैं वहां का कैसा नजारा है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम आ चुके हैं करोल बाग, जो हनुमान मंदिर था हमने आपको बताया था, ये है वहाँ की मूर्ति, 108 फीट की मूर्ति है। हम काफ़ी नीचे खड़े हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है, हमारे फ़ोन में आ भी नहीं रही है। देखिए गदाई, देख सकते हैं आप कितनी ऊंची है। और यहाँ पर जो है ये है एंट्री गेट है इसका, जो कि हनुमान जी का मुंह बना हुआ है, इसके अंदर को प्रवेश करते हैं। और ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये मूर्ति बनी हुई है, तो इनके अंदर चल के देखते हैं कैसा नज़ारा है। सामने देख सकते हैं बालाजी की जो है प्रतिमाएं बनी हुई थी, वो हमने काट दिया शॉर्ट। और ये देख सकते हैं ये हैं हनुमान जी और राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, जो उनका सहपरिवार है, सहपरिवार के साथ ये फोटो है उनका। तो यहाँ पर ये फर्स्ट बढ़ते ही, और ये देख सकते हैं दूसरी साइड में यहाँ पर दूसरा मंदिर है जो उसी में जॉइंट है। और ये देख सकते हैं कितने पत्थरों से यहाँ पर बने हुए हैं, सबकी प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। और ये देख सकते हैं जहाँ पर जब वो हो रहा था, क्या समुद्र मंथन हो रहा था, तो ये जब की तस्वीर है। और ये पवित्र गुफा देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी गुफा बनाई हुई है। तो इसमें अंदर देख सकते हैं कितना, मतलब काफ़ी तकड़ा नज़ारा है वैसे तो देखने का यहाँ का, तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। मैं तो काफ़ी देर यहाँ पर बैठ के भी आया था अंदर, बहुत ही ज़्यादा आसानी से यहाँ पर मतलब मेंटेन हो जाता है हर चीज़। और ये देख सकते हैं माता रानी का, जय माता दी, पहले तो जय माता दी बोल दीजिए, और कमेंट में भी लिख दी थे जय माता दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल वो ही रूप आपको जय माता दी का मिलेगा जो हमने वैष्णो देवी में देखा था। और ये गुफा देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर गुफा देखने को मिलती है, और इसके अंदर काफ़ी तस्वीरें बनी हुई हैं, काफ़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं हमारे भगवान की, सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर पात्र मिलते हैं, जितने भी भगवान जुड़े हुए हैं हमारे सनातन धर्म से, वो इसमें मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब बहुत ही काफ़ी छोटी गुफा है ये, यहाँ पर नोड़ के चलना पड़ता है, मतलब स्ट्रेट बिल्कुल सीधे खड़ी नहीं हो पाते क्योंकि उसकी लंबाई ऊंचाई बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर नोड़ के देखे इस अवस्था में यहाँ पर चलना पड़ता है। वैसे तो काफ़ी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कटिंग की गई है पत्थरों की, और बस इतनी ही ये गुफा थी। और गुफा का द्वार मतलब एग्जिट रास्ता देख सकते हैं, ये शेर का मुंह बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं इस तरह से, और ये गदा है ऊपर, और पूरी तस्वीर दिखती भी नहीं है, मतलब इतनी ऊंची तस्वीर है यहाँ पर। तो ये है शेर जो कि पीतल के बने हुए हैं काफ़ी अच्छे। दोस्तों व्लॉग और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। हनुमान मंदिर बहुत ही अच्छा था ये, काफ़ी घूमने का थोड़ा नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।